हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर पार्ट ऑफ वेब डिजाइनिंग कोर्स। तो गाइज, इस पार्ट में हम लोग जावास्क्रिप्ट के बारे में और भी ज़्यादा नॉलेज हम लोग गेन करेंगे। बहुत सारी चीज़ हम लोगों ने पहले वीडियो में, ये जो है ना, जो क्लास था, हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किए थे, बट इस क्लास में हम लोग और भी चीज़ें कवर करेंगे। ओके, इस क्लास में हम लोग और भी चीज़ें कवर करेंगे। ओके, तो पहले उससे मैं ये सारी चीज़ मैं हटा देता हूँ। ओके, हम लोग ये जो चीज़ मतलब कह रहे थे, ये इनलाइन मेथड था। ओके, ये इनलाइन मेथड था। अभी हम लोग जो करेंगे ना, वो एक्सटर्नल मेथड के थ्रू ये जो है ना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो पहले उसकी आउटपुट आप देख लो, ये रही उसकी आउटपुट। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, उसकी एक्सटर्नल मेथड जो होती है ना, उसको यूज़ करेंगे। ओके, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे पहले इस फाइल को यहाँ पे ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए सिंपल सा चीज़ आपको करना है। ओके, इसे हटा देना है, इसे हटा दो। बस यहाँ पे आपको ऐड करो, क्या आपको ऐड करना है, स्क्रिप्ट। ओके, स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट के अंदर मैंने ऐड करा src। ओके, और उसके अंदर javascript.js। ओके, java.js को मैंने ऐड करा। ओके, अभी हम लोग उसे सेव करा। अभी जो भी चीज़ हम लोग इस फाइल के अंदर करेंगे, तो उसकी आउटपुट उधर आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये रही उसकी आउटपुट। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, इसकी साइज को थोड़ी कम करेंगे। ओके, अभी हम लोग जेएस फाइल के अंदर अभी इनपुट देंगे। ओके, तो उसके लिए हम लोग पहले ऐड करेंगे क्या, मान लो वही सेम चीज़ हम लोग ऐड करेंगे क्या, डॉक्यूमेंट। ओके, डॉट राइट। ओके, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट और कॉलन, अगर आप डबल कॉलन देना चाहो, डबल कोट देना चाहो, तो इजीली दे सकते हो। अगर आप सिंगल कोट के अंदर ये उसको भी ऐड करना चाहो, तो अभी ऐड कर सकते हो। ओके, देखते हैं, दिस इज एक्सटर्नल मेथड। ओके, मैंने लिखा दिस इज एक्सटर्नल मेथड। ओके, उसे सेव करा। अभी उसके आउटपुट आप देख सकते हो, ये अभी आउटपुट आ रहा है। ओके, तो इस तरह आप अगर यूज करना चाहते हो एक्सटर्नल मेथड को, इजी वे में आप एक्सटर्नल मेथड को यूज करके भी उसकी आउटपुट यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, और अभी हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर आप लोग को पता चल गया उसकी जो कि एक्सटर्नल मेथड, तो बाद में हम लोग इसे और भी ट्राई करेंगे। अभी हम लोग और कुछ चीज़ें ऐड करेंगे और कुछ चीज़ों के बारे में सीखेंगे, जो कि है वेरिएबल। तो सिंपल सा मैं आपको बता दूँ, अगर हम लोगों को वेरिएबल यूज़ करना है, तो कैसे हम लोग वेरिएबल को यूज़ करेंगे। तो वेरिएबल को यूज़ करने के लिए, मान लो ये रही हमारी हेडिंग, ये रहा। ओके, हम लोग और एक चीज़ यहाँ पे ऐड करते हैं, स्क्रिप्ट। ओके, तो स्क्रिप्ट के अंदर हम लोग अभी मान लो डॉक्यूमेंट। ओके, डॉक्यूमेंट ऐड करा मैंने, डॉट राइट। ओके, राइट और ब्रैकेट स्टार्ट। ओके, तो उस ब्रैकेट के अंदर हम लोग कॉलन देंगे, अभी कोट देंगे, और उसके अंदर अभी हम लोग यूज़ करेंगे जो भी चीज़ें लिखना चाहे हम लोग लिख सकते हैं। मान लो अगर हम लिखेंगे हाउ आर यू। ओके, हम लोगों ने ऐड किया हाउ आर यू, उसे सेव करा मैंने। अभी आप उसकी आउटपुट देख सकते हो। ओके, वही सेम चीज़ यहाँ पे हम लोग इसे कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करा मैंने, इसका भी आउटपुट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, तो अभी हम लोग उसका भी आउटपुट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग इस पार्ट में जो भी चीज़ें कवर करेंगे वेरिएबल के बारे में,
ओके, तो वेरिएबल हम लोग अभी यूज करेंगे कैसा? देखो यहाँ पे मैंने ये इसको अगर कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ ये, ओके इस तरह से मैंने कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगी, उसकी आउटपुट आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, जैसे ही मैंने यहाँ पे बी आर टैग यूज़ करूँगा, तो बी आर टैग अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ ना, यहाँ पे आप देख सकते हो बी आर टैग मैंने यूज़ करूँगा अभी, तो उसे सेव करा। ओके देखो यहाँ पे हाउ आर यू, ओके इस तरह से अगर हम लोग इसे हम लोग डिलीट करते हैं। ओके मैंने पेस्ट किया, सेव करा, अभी देखो आउटपुट ये रही उसकी आउटपुट। ओके अगर हम लोग अभी वेरिएबल यूज करेंगे तो उसके लिए यहाँ पे आएंगे, ठीक है यहाँ पे आएंगे तो इससे हम लोग हटा देंगे पहले। ओके तो हम लोग ऐड करेंगे, ओके अभी वी ए आर के वेरिएबल के लिए हम लोग वी ए आर यूज करेंगे। अभी हम लोग एक वेरिएबल लेंगे ए, मान लो एक वेरिएबल हम लोगों ने ए लिया, ए इज इक्वल टू, ओके ए इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, डबल कोट के अंदर लिखेंगे क्या, हाउ आर यू। ओके डबल कोट के अंदर मैंने ऐड करा, उसे सेव करा। ओके यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें ऐड करी है, कुछ लाइन ऐड करी है। जब भी हम लोग को 10,000 15,000 की एक बनाने पड़े, एक प्रोग्राम अगर एक मान लो प्रोग्राम बनाना पड़े, प्रोजेक्ट बनाना पड़े, तो अगर कुछ चीज़ अगर रिपीट यहाँ पे होती है, ये मैंने 4 5 बार रिपीट किया, अगर एक चीज़ 1500 1000 बार रिपीट अगर होगा, ओके अगर यहाँ पे हम लोग को कुछ चेंज करना हो, हाउ आर यू, ओके और कुछ चेंज करना हो, मतलब यहाँ पे मान लो मैं जी ऐड करूँगा, ओके अगर जी ऐड करता हूँ, मैं सारी की सारी के अंदर जी ऐड करना चाहता हूँ, ओके तो अगर मैं एक एक के अंदर जाके जी ऐड करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगी। ओके और एक कोडिंग को अगर आपको ख़त्म करना है, अगर इस तरह से अगर आप करते जाओ एक एक के अंदर, तो आपको एक दिन भी एक डेढ़ दिन भी लग सकती है। ओके आप इरिटेट भी हो सकते हो। ओके तो उसके लिए ये वेरिएबल बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ओके तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसे हटा देंगे। यहाँ पे हम लोग को सिंपल चाहिए क्या, हाउ आर यू चाहिए। ओके तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग आएंगे स्क्रिप्ट के अंदर, ऐड करेंगे क्या, डॉक्यूमेंट, ओके डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ओके अभी हम लोग चीज़ें ऐड करेंगे, वही सेम क्या होगा, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और ब्रैकेट के अंदर हम लोग अभी वेरिएबल लिए थे ए, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल ए ऐड करना है। ओके मैंने सेव करा, ओके तो उसकी आउटपुट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, अगर मैं जितनी बार उसे ऐड करूँगा, ओके जितनी बार ऐड करूँगा मैं उसे ना, तो इतनी बार जितनी बार चाहिए तो उतनी बार मैं ऐड कर सकता हूँ। ओके सेव करा मैंने और उसकी आउटपुट आप देख सकते हो। ओके मान लो अगर किसी की भी चेंज करना हो, कुछ चीज़ें अगर चेंज करना हो, यहाँ पे मैंने जी ऐड करा, सेव करा मैंने और यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये जो हाउ आर यू जी, हाउ आर यू जी, हाउ आर यू जी, ओके इस तरह से वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो मतलब ये सारी की सारी मतलब ये इसके ऊपर लाइन के ऊपर वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। तो ये होता है वेरिएबल की एक मतलब बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। ओके अगर और एक चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे वेरिएबल, अगर वेरिएबल हम लोगों ने यूज़ करेंगे क्या, बी इज इक्वल टू स्टार्ट आई एम फाइल, ओके मैं इतना सा ऐड करा,
उसे कॉपी नहीं करना है, इतना सा मैंने ऐड करा। ओके, और यहाँ पे आप लोग को सिंपल चीज़ करना पड़ेगा, एक को मैंने यहाँ पे कॉपी करा, यहाँ पे उसे पेस्ट करा, यहाँ पे ए की जगह यहाँ पे बी में सिर्फ ऐड करूँगा। ओके, सेव करा मैंने इस बी, सेव करा मैंने, अभी उसकी आउटपुट आप देख सकते हो। ये देखो हम लोगों ने जो भी चीज़ें ऐड करी है, ओके राइट, बी के अंदर हम लोगों ने क्या ऐड करा था, आई एम फाइन, ओके आई एम फाइन तीन बार हम लोगों ने ऐड करी थी, तो तीन बार यहाँ पे आप लोगों को शो कर रहा होगा। तो इस तरह आप जो है ना बहुत बड़ी प्रोग्राम अगर लिख रहे हो आप, अगर बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है आपके पास है, तो इस चीज़ को अगर यूज़ करते हो तो आपकी जो प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। ओके ओके, आपकी जो टाइम है बहुत ज़्यादा सेफ भी हो जाएगी, है ना। तो बेसिकली ये सारी चीज़ था, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में और भी चीज़ें हम लोग जानेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसके बारे में अगर कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और कुछ अगर आपको जानना है उसके बारे में तो अभी आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो, मैं आपकी कमेंट की रिप्लाई दूंगा, और जो भी आपकी क्वेरी है मैं उसे सॉल्व जरूर कर दूंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।